नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होने वाला है और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे शेड्यूल और चुनाव नतीजों के दिन की जानकारी भी देगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक के दलों ने पहले से ही इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और पार्टी का ये कहना है कि लगभग 150 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी एक राउंड मंथन हो चुका है और सोमवार को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस संबंध में मीटिंग भी की थी। इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार के साथ पंकज मुंडे जैसे लीडर भी शामिल थे और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और केंद्र मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में सबसे पहले 100 सीटों के ऊपर बात हुई है जहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में हुई है और अब तक मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य तौर पर कोकण क्षेत्र और विदर्भ के साथ उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर लड़ने का फैसला लिया। वहीं पर मराठवाड़ा सहित अन्य कुछ इलाकों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को सीटें दी जा सकती हैं और राज्य में कुल 288 सीटें हैं और अब तक ये तय समझौते के अनुसार करीब 80 सीटें एकनाथ शिंदे गुट को मिलेंगी और इसके अलावा बाकी की लगभग 50 सीटें अजीत पवार गुट को जा सकती हैं। आपको बताएं कि मुंबई की ज्यादातर सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ही दावा रहेगा और इसके अलावा थाने इलाके की सीट शिंदे गुट को देने पर भी सहमति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि 288 में से लगभग 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है और सोमवार को हुई मीटिंग में उन इलाकों को लेकर भी चर्चा जारी है जहां पर अच्छी संभावना के बावजूद भी पार्टी को हार मिली है। इन सीटों में भिंड और मुंबई उत्तर मध्य जैसी सीटें भी शामिल हैं और बिल से पंकज मुंडा और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से नामी वकील उज्जवल निगम को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि हमने करीब 8 से 9 लोकसभा सीट इसलिए खो दी क्योंकि मुस्लिमों का पोलराइजेशन एक तरफा हो गया था। वे पार्टियों के साथ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक मतदाता बाहर के ही निकले हैं और इससे नतीजा बदल गया। अब विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति बना रही है ताकि इस समय की काट की जा सके और भारतीय जनता पार्टी इस बार महाराष्ट्र में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। बहरहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि हर एक पार्टी लगातार जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है और अपने अपने कैंडिडेटों को धरातल पर जाकर मेहनत करने की भी सलाह देती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।